Hello, my dear students. So in this video lecture, I am starting the series for class 12. Okay, class 12 for the term 2 exam. For the term 2 exam, or you can say the second semester exam. Okay, so some chapters we will cover in the series. So my today's topic will be on health. What exactly is health? So we will define what exactly the health is. Okay, so if I define the health, it is a complete state of physical, mental, complete, you can say complete state, complete fitness state or complete healthy state, you can say. Okay, it is a state of body. You can say it is a state of body. That is, you may be fit at the physical level, mental level, emotional level and psychological level. Okay, emotional as well as psychological level, as well as psychological level. Okay, so these are the basic things which are related to the health. And if I prefer NCERT book, dear students, I want to tell you that this NCERT book, it is a base for every competitive exam and for your academic exams also. So, if I follow the NCERT book, I want to tell you, there are some causes. Means, of course, the health it is affected by. What are the effects of, means what are the conditions from which your health can get affected. Okay, so health it can be affected by, kaise kaise affect ho sakti hai? It can be affected by genetic disorders, can be affected by, number one here, genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जो आपको अपने फादर मदर से मिल रहे हैं, बाय बर्थ आपको वो प्रॉब्लम आ रही है. डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, ऐसी कोई डेफिशिएंसी, ऐसा कोई डिफेक्ट जो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से अपनी बर्थ ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड. ओके, दूसरा कुछ हेल्थ इफेक्ट हो जाती है कभी कभी जब उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ डिजीजेज ऐसी होती है जो इन्फेक्शन से हो जाती है. ठीक है, तीसरा हमारी हेल्थ इफेक्टेड होती है हमारी लाइफ स्टाइल से. जो लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड है, वाटर है, कैसा हम फूड ले रहे हैं, कैसा वाटर इनटेक कर रहे हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये सारी हैबिट्स हैं जो कि लैक हो रही है या हम सफिशियंट अमाउंट में कर रहे हैं, तो हम हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हेल्थ की जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, तो हेल्थ, वी कैन राइट द हेल्थ एज आई टोल्ड यू दैट इट इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्दी पर्सन हम कब बोलेंगे, जब वहां पे कोई डिजीज नहीं, इट इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. ओके, सो दिस टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, बट हाउ वी डिफाइन दिस हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज तो होना ही चाहिए, बल्कि फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए. और ये एक स्टेट है कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल. यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि वो पर्सन सोशल कितना है, उसका जो हेल्थ का एक एस्पेक्ट है वो सोशल भी है. एंड व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग हेल्दी होंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, और इससे उनकी क्या हो जाएगी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी और आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, जो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी. और जिसकी वजह से जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और हेल्थ जो है वो लोगों की लॉन्गेविटी को भी बढ़ाती है, इन्फेंट्स एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी मीन्स जो डेथ रेट होगा, अगर पर्सन हेल्दी ज्यादा होगा तो डेथ रेट कम होता जाएगा. तो मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी जिसको कि आप फोकस करेंगे. फॉर बीइंग अ हेल्दी पर्सन, यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट. ओके, एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखना है. और रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने में मदद करेंगे. रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि योगा को प्रैक्टिस किया जा रहा है सिंस इन मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और इसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, बहुत सारी और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि हाइजीनिक फूड को क्यों लें, के क्या यूजेस हैं. तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स थे जो कि हेल्थ के बारे में, बहुत ही छोटा कॉम्प्लेक्स वीडियो, क्योंकि बेसिक जो इसका आज का टॉपिक था वो टॉपिक ही था कि व्हाट इज हेल्थ, डिफाइन हेल्थ.
and what are the effects, what are the consequences if you are not healthy. Okay, so next video lecture हमारा होगा diseases पर, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि health is the absence of disease, but it is not only the absence of disease, कुछ और भी चीजें मैंने बताई. तो जो next हमारा video lecture होगा वो होगा diseases पे. Thank you my dear students.